हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन एजुकेशनल पीडिया। यहाँ पे हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम्स। इस टॉपिक का आपको इनडायरेक्टली हेल्प होगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन लॉगरिथम से आता है तो, या फिर अगर आप किसी रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तब आपको इस टॉपिक की बहुत हेल्प होगी, जहाँ पर आपको लॉग्स के फार्मूले यूज़ करने होंगे। सो यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे इस फार्मूलेस को अप्लाई करना है और कैसे इस फार्मूलेस का यूज़ करके हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं लॉगरिथम्स के बारे में, कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स लॉगरिथम्स आया कहाँ से। सो ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों भी ग्रीक वर्ड्स है। वन इज़ अ लोगोस एंड अदर इज़ दी एरिथमोस। सो लोगस मीन्स द रेशो एंड एरिथमोस मीन्स द नंबर। इफ़ यू आर कंबाइनिंग दिस टू नंबर, जब इन लोगों को मिलाया जाएगा तो हम लोगों को इसका मीनिंग पता चलेगा, इट्स मीन्स द रेशियो नंबर। सो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? सो बेसिकली ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया हुआ है, जो लार्ज नंबर जब हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसमें जो वर्क हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है तो उस वर्क को ये रिड्यूस कर देता है, इसीलिए लॉगरिथम्स का यूज़ किया जाता है लार्ज नंबर के मल्टीप्लीकेशन और डिविजन्स के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथम्स के डिटेल्स में हम लोग स्टार्ट करने से पहले टॉपिक्स देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे लॉगरिथम्स को समझने के लिए। सो सबसे पहली चीज बेस, देन सेकंड एक्सपोनेंट। बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अभी इस चीज को हम लोग और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए टू द पावर एन। समटाइम्स एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी बोलते हैं। सो ए टू द पावर एन, दैट मीन्स ये कैसे लिया होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए अप टू कितने होंगे, ये एन टाइम्स होंगे, इसीलिए ये लिखा हुआ है ए टू द पावर एन। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं जब बेस सेम होगा उस वक्त के लिए। सो फर्स्ट ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर एन इक्वल टू, जब बेस सेम होंगे सो हम लोग दोनों भी एक्सपोनेंट या पावर्स की एडिशन करेंगे। सो ए टू द पावर एम प्लस एन। सपोज इस रूल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, टू टू द पावर फाइव मल्टीप्लाई बाय टू टू द पावर माइनस थ्री। सो टू टू द पावर क्या होगा, ये टू टू द पावर फाइव प्लस इन ब्रैकेट माइनस थ्री। सो ये क्या बन जाएगा, टू टू द पावर फाइव माइनस थ्री। नेक्स्ट एक जनरल, इन जनरल में देखेंगे, सपोज ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर पी मल्टीप्लाई बाय, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लीकेशंस होंगे इन टर्म्स ऑफ पावर। सो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी पावर्स का समेशन करेंगे, लाइक एम प्लस एन प्लस पी और वॉट एवर। जैसे सपोज ए टू द पावर आर हो, ए टू द पावर टी हो, सो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, पी प्लस आर प्लस टी। सिमिलरली अगर अब इन सभी पावर्स की वैल्यू हम लोग m रखते हैं सपोज, सो क्या होगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m, कितने बार जाएगा सपोज, ये अगर हम लोग इस पूरे टर्म्स को n टाइम्स लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m उसका पावर n। सो ये क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे इन दो का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो a टू द पावर m इंटू एन मीन्स ए टू द पावर एम एन। नेक्स्ट इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग तीन और टर्म्स देखते हैं, ए टू द पावर माइनस एम होल टू द पावर एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंपली दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो ए टू द पावर माइनस एम इंटू एन। लाइकवाइज ए टू द पावर माइनस एम ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर माइनस एन, सो सिंपली यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव इट्स पॉजिटिव, सो ए टू द पावर एम इन टू एन। लाइकवाइज ए टू द पावर वन बाय माइनस एम होल टू द पावर माइनस वन अपॉन एन, सो क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस मल्टीप्लाई गेट पॉजिटिव, सो ए टू द पावर वन डिवाइडेड बाय एम इन टू एन। नेक्स्ट रूल के बारे में देखते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। सो क्या लिखेंगे, अभी अगर इस टर्म को हम लोग लिखेंगे सो क्या आएगा, ये ऊपर जाने के बाद a टू द पावर माइनस n, सो क्या हो जाएगा, a टू द पावर
एम माइनस एन। सो अगर ये डिविजन्स में लिखा हुआ है लाइक ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन, सो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर एम माइनस एन। ये कैसे आएगा? सो सिंपली इस पार्ट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, दैट टू टू द पावर थ्री डिवाइड बाई टू टू द पावर टू। सो क्या हो जाएगा? टू टू द पावर थ्री माइनस टू, सो इट्स टू टू द पावर वन। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि अगर दोनों बेसिस सेम है मीन्स इन दोनों के पावर्स इक्वल होंगे, बिकॉज ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एन, बिकॉज दोनों भी बेसिस तो सेम है। सो क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू एन। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक थ्री टू द पावर टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री टू द पावर एट। अगर यहाँ पे दोनों बेसिस इक्वल है सो हम लोग डायरेक्टली दोनों पावर्स को इक्वेट कर देंगे, दैट टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट। नेक्स्ट एक और रूल देखते हैं, सेम एक्सपोनेंट देन बेसिस आर इक्वल, मीन्स अगर दोनों भी पावर्स इक्वल है सो उन दोनों के बेसिस भी इक्वल होंगे। सो सपोज इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, ए टू द पावर एम इक्वल टू बी टू द पावर एम। सो दोनों भी पावर्स इक्वल है, अगर अब हम लोग इस एम को इस साइड भेजेंगे सो क्या आ जाएगा? ए टू द पावर एम होल टू द पावर वन बाय एम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो एम एम गेट कैंसल, सो डायरेक्टली गेट ए इक्वल टू बी, और वी कैन से दैट एम इक्वल टू जीरो। इसके पहले जो हमने रूल्स देखे थे उसमें बेसिस सेम थे, अब हम लोग रूल्स देखेंगे जहाँ पे पावर्स इक्वल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन रूल्स के बारे में, दैट ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। सो यहाँ पे दोनों भी पावर सेम है सो सिंपली ए इंटू बी होल टू द पावर एम। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइव टू द पावर टू इंटू थ्री टू द पावर टू। सो क्या हो जाएगा? दोनों भी पावर्स इक्वल है सो फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री होल टू द पावर टू। सो 5 इंटू 3 इट्स 15 एंड 15 स्क्वायर इज 225। लाइकवाइज सेकेंड देखते हैं, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एम। सो दोनों भी पावर्स इक्वल है सो सिंपली ए डिवाइडेड बाय बी होल टू द पावर एम। किस तरह से देखेंगे? दोनों भी पावर्स इक्वल है सो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, सो सिंपली 8 बाय 4 होल टू द पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा सो 2, देन 2 का स्क्वायर इट्स 4। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट देखते हैं, दैट ए टू द पावर 0 इज 1, देन ए टू द पावर माइनस एन होल टू द पावर 0 सो इट्स ऑल्सो 1, देन ए टू द पावर एन होल ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर 0 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे देखने लायक चीज है कि अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है और उसका पावर जीरो है सो वो हमेशा वन ही होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिदम इन वेरियस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और सेकंड फॉर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म। ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, कैसे है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगा? दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू बी। और लॉगरिदम फॉर्म कैसे होगा? लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग ये है बेस ए बी इक्वल टू एन। सबसे पहली चीज, ये बेस है, ये पावर है या एक्सपोनेंट है, और ये कोई सपोज नंबर है। सो कैसे लिखेंगे? हमेशा लॉग नीचे क्या होगा? बेस। यहाँ पे नीचे क्या लिखा होगा? हमेशा बेस। देन ये जो यहाँ पे बी वैल्यू लिखी है ये हमेशा नंबर रिप्रेजेंट करेगी, इक्वल टू सामने क्या लिखा होगा? उसका पावर। सो ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, ये कैसे आ रहे हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। सो कुछ नोट पॉइंट, दैट अगर एल ओ जी इस फॉर्म को अगर देखते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म है लॉगरिथम का। देन ए टू द पावर एन इक्वल टू बी, यहाँ पे ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। लॉग ऑफ निगेटिव और जीरो टू पॉजिटिव बेस आर नॉट डिफाइंड। कैसे देखते हैं, सपोज एग्जाम्पल जीरो टू द पावर जीरो, जीरो टू द पावर माइनस टू, देन लॉग ऑफ जीरो, यहाँ पे जो भी बेस है ये पॉजिटिव है। लाइकवाइज लॉग ऑफ माइनस टू, सो बेस है जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। सो ये चीज़ें हमेशा
नॉट डिफाइंड होगी। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। इफ ए इक्वल टू वन देन ए टू द पावर एन इक्वल टू वन। सो फॉर एवरी एन लाइक एन सपोज -3 मीन्स निगेटिव नंबर से लेके सो 0 इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर, इन सभी नंबर्स को अगर हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा इफ ए इक्वल टू 1 है तो, बिकॉज 1 टू द पावर एनी नंबर इज ऑलवेज दैट सेम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं इफ बेस इज 1 वी नेवर फाइंड एन सच दैट 1 टू द पावर एन इक्वल टू बी एक्सेप्ट फॉर बी इक्वल टू 1 मीन्स बी इक्वल टू, अगर बेस इज 1 है मीन्स दिस वैल्यू अगर बेस 1 है सो वी नेवर फाइंड द एन सच दैट एक्सेप्ट बी इक्वल टू 1। बिकॉज अगर बेस का वैल्यू ऑलरेडी 1 है सो हम लोग एन को कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी वैल्यू तो दिया हुआ है। अगर वैल्यू दिया हुआ है सो बी इक्वल टू 1 ही होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ए टू द पावर 1। सो ए टू द पावर 1 इक्वल टू सपोज ए है सो ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये बेस रिप्रेजेंट करेगा, जो पावर है उसको हम लोग आइदर पावर या एक्सपोनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इक्वल टू को हम लोग कुछ सपोज वैल्यू एक नंबर देते हैं सो अगर हम लोग इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो किस फॉर्म में लिखेंगे, दैट सबसे पहले लॉग देन यहाँ पे हम लोग बेस लिखेंगे देन यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे ये जो वैल्यू होगी वो एंड इसका पावर हम लोग इक्वेट में सामने लिखेंगे। सो अगर इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करते हैं इस फॉर्म का यूज़ करते हैं तो किस तरह से नंबर आएगा, log to the base a of value a equal to 1 means अगर value और base दोनों सेम हो जाएंगे सो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ logarithms। सिस्टम ऑफ logarithms डिपेंडिंग ऑन बेस, जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें देखा है कि हमेशा हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे लॉगरिदम्स के फॉर्म में। सो लॉगरिदम फॉर्म कैसे होगा, लॉग सबसे पहले वैल्यू और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे उसका बेस। सो डिपेंडिंग ऑन बेस ये सिस्टम्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सो दो टाइप्स के सिस्टम होंगे, एक कॉमन और ब्रिक्सियन लॉग और सेकेंड नेपेरियन और नेचुरल लॉग। सो कॉमन और ब्रिक्सियन लॉग में हमेशा बेस 10 होगा और नेचुरल लॉग में हमेशा बेस e होगा। सो यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है तो आपको हमेशा बेस एज्यूम करना है 10। e का वैल्यू कितना होगा हमेशा 2.71। नेक्स्ट इस बेसिस पे हम लोग कुछ लॉस को देखते हैं, बट इस लॉस को देखने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग that laws are hold for any base a, so a हमेशा greater than 0 and a is not equal to 1। जब ये conditions होंगी तभी हम लोग इस laws को use कर सकते हैं। so हम लोग सबसे पहले first law के बारे में देखते हैं, that product formula log m n to the base a, कैसे लिखेंगे, log m to the base a plus log n to the base a। Likewise, suppose अगर यहाँ पे m n दो terms की बजाय ज़्यादा terms हो like p q r t, so कैसे लिखेंगे हम लोग, log p to the base a plus log q to the base a plus log r to the base a plus log t to the base a। so जितनी भी terms multiply में होंगी जब वो इस format में लिखी जाएगी product formula के forms में so क्या हो जाएगा, हमेशा एडिशंस में चल जाएगी इंडिविजुअल लॉग्स के साथ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये टर्म्स ऑलरेडी गिवन हो एज अ प्रॉब्लम में और आपको कोई और टर्म्स कैलकुलेट करनी है, सो सिंपली हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जितने भी टर्म्स होंगे पी क्यू आर टी सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ देखते हैं क्वेश्चन फार्मूला। सो लॉग एम डिवाइड बाय एन टू द बेस ए, सो कैसे लिखेंगे, log m
टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। आइदर आपको ये फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में होगा सो हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर अगर आपको ये फॉर्म दिया होगा सो अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है सो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड लॉ देखते हैं, पावर लॉ, दैट लॉग एम टू द पावर एन हुज बेस इज ए। सो क्या हो जाएगा, सिंपली ये पावर सामने आ जाएगा दैट एन लॉग एम टू द बेस ए। यहां पे नोट डाउन करने वाली चीज, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन एंड ए एन एम, दिस थ्री वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट चेंज ऑफ बेस फार्मूला, दैट लॉग एम टू द बेस ए इक्वल टू, सो कैसे लिखेंगे हम लोग, सपोज हम लोगों को यहां पे बेस चेंज ही करवाना है सो सिंपली सबसे पहले लॉग एम डिवाइडेड बाय लॉग ए, देन हम लोग किसी और बेस को फार्मूलेट करते, सपोज वो बेस होगा बी, सो सिंपली आपको बेस दोनों जगह सेम करना है। सपोज हम लोगों को यहाँ पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं दैट यहाँ पे हम लोगों को इस बेस को कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, सो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग 18 लिखा डिवाइडेड बाय लॉग 3 और बेस दोनों जगह 10 हम लोग रख देंगे बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी दो ही सिस्टम है राइट, एक बेस 10 है और एक बेस ई है, सो दो ही फॉर्मेट में हम लोग इसको चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट और एक चीज देखते हैं, लॉग एम टू द बेस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 1 बाय फॉर्म में लिखते हैं सो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय चेंज हो जाएंगे, मीन्स इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट दिस नंबर के जगह पे बेस आ जाएगा और इस बेस के जगह पे नंबर चला जाएगा, सो देख सकते हैं 1 डिवाइड बाय लॉग ए टू द बेस एम। कैसे आया वो भी देखते हैं, जो हमने इस रूल को देखा चेंज ऑफ बेस, इसका यूज करते हैं, सो सिंपली लॉग एम टू द बेस ए इक्वल टू लॉग एम डिवाइडेड बाय लॉग ए, सबसे पहले हमने ये लिखा, देन बेस को चेंज कर दिया दैट एम और एम के फॉर्म में, जो हमने प्रीवियस पहले हमने काफ़ी पहले फॉर्म देखा था लॉग एम टू द बेस एम, अगर दोनों नंबर्स इक्वल होंगे सो सिंपली हम लोग 1 लिख सकते हैं, सो इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया 1 डिवाइडेड बाय लॉग ए टू द बेस एम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉग एम टू द बेस ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ए टू द बेस एम इक्वल टू 1, कैसे होगा, सिंपली हम लोग इस टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे सो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा राइट, सो उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने। लाइकवाइज अगर हम लोग एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं सो कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, दैट लॉग b टू द बेस a इंटू लॉग c टू द बेस b, ये नंबर यहाँ पे चला गया, देन लॉग a टू द बेस c ये नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो गया इक्वल टू 1, सो कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे होगा, सबसे पहले a बेस में लिखा हुआ है, देन यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वो सेकेंड b, लाइकवाइज अब ये b बेस बन जाएगा और c वैल्यू में चला जाएगा, देन C बेस बन जाएगा और A वैल्यू में चला जाएगा, सो यहाँ पे कंटिन्यू क्लॉकवाइज साइकिल में फॉर्मेशन हो रहा है। सो अगर इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए आंसर, 1। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, दैट लॉग M टू द बेस A मल्टीप्लाई बाय लॉग A टू द बेस B इक्वल टू लॉग M टू द बेस B, कैसे आएगा हम लोगों को सपोज ये प्रूफ करना है सो कैसे हम लोग यूज करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम लोग 3 नंबर्स को ध्यान से फार्मूलेट करके सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, दैट फर्स्ट नंबर इज m उसका बेस a है, देन सेकंड नंबर इज a उसका बेस b है, सो सिंपली हम लोगों ने इन तीनों को अरेंज किया दैट a m b। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी एक साइकिल बना के सबसे पहले इस फॉर्म को सेटअप करते हैं जो साइक्लिक नेचर में, दैट लॉग ए टू द बेस बी, मीन्स सबसे पहले ये वैल्यू देन इसका बेस,
देन अब ये बेस बनेगा और ये वैल्यू बनेगी लाइक लॉग एम टू द बेस ए, देन अब ये बेस बनेगा ये वैल्यू होगी सो लॉग बी टू द बेस एम इक्वल टू वन। अब इस फॉर्मेट में हमारे पास एल एच एस साइड में क्या दिया हुआ है दैट लॉग टू द बेस ए एंड लॉग टू द बेस बी, सो इन दो टर्म्स को हम लोग यूज़ करेंगे दैट लॉग टू द बेस बी लॉग टू द बेस ए। सो यहाँ पे क्या दिया होगा लॉग बी टू द बेस एम इक्वल टू वन, सो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे मतलब हम लोगों को हमारा एल एच एस वाला साइड मिल जाएगा। सो सिंपली इस टर्म को हम लोगों ने इस साइड शिफ्ट किया दैट वन डिवाइड बाय लॉग बी टू द पावर सॉरी लॉग बी टू द बेस एम। नाउ अब हम लोग इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे सो ये रिवर्स हो जाएगा दैट लॉग एम टू द बेस बी। कुछ रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं बट यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि कौन सी चीज़ होल्ड करेगी दैट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन। सो फर्स्ट रिजल्ट ए टू द पावर लॉग एन टू द बेस ए, अगर यहाँ पे जो नीचे नंबर होगा और जो बेस वाला नंबर होगा अगर ये दोनों सेम है सो सिंपली हम लोग इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू एन। देन नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं और रिजल्ट्स के बारे में दैट लॉग वन टू द बेस ए इक्वल टू जीरो, लॉग ऑफ वन टू एनी बेस इज इक्वल्स टू जीरो। देन थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने काफी पहले देखा था दैट लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू वन। सो सिंपली यहाँ पे इन तीनों रिजल्ट्स का आपको काफी ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कुछ नोट्स के बारे में वन टू द पावर वन इक्वल टू वन, वन टू द पावर टू इक्वल टू वन, वन टू द पावर थ्री इक्वल टू वन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग वी गेट, अगर हम लोगों ने इस फॉर्म को, ये कौन सा फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर हम लोग इस फॉर्म का यूज़ करके इस फॉर्म को अगर हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग वन टू द बेस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा सामने पावर इक्वल टू वन, देन लॉग वन टू द बेस वन इक्वल टू इसका पावर टू, देन लॉग वन टू द बेस वन इक्वल टू थ्री। सो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा वन इक्वल टू टू इक्वल टू थ्री विच इज नॉट पॉसिबल। सो लॉग वन टू द बेस वन इज मीनिंगलेस। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बेस एक्सपोनेंट लॉ के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं लॉग एक्स टू द बेस ए पावर के। सो सिंपली क्या करेंगे हम लोग इस के को सामने लेकर आएंगे वन डिवाइड बाय के, वन डिवाइड बाय के इंटू लॉग एक्स टू द बेस ए। नेक्स्ट देखते हैं लॉग एक्स टू द पावर पी टू द बेस ए टू द पावर के। सो सिंपली क्या करेंगे जो वैल्यू होगी उसका पावर हम लोग सामने लेकर आएंगे पी, और जो बेस का पावर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे दैट पी डिवाइड बाय के लॉग एक्स डिवाइड बाय ए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। सो अब हम लोग यहां से देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स में इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सो स्टार्ट कर दे। अप्लाई द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स लॉग 6 इन ब्रैकेट 5 टू द बेस 2, देन सेकेंड क्वेश्चन लॉग 15 डिवाइड बाय 23 टू बेस 10, देन लॉग 6 टू द पावर 5 बेस 5 लॉग क्यूब रूट ऑफ 7 टू द बेस 10। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस आते हैं तो ध्यान से आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके सॉल्यूशंस करेक्ट है या नहीं वो देखने के लिए आप आगे के पार्ट्स भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। सो फर्स्ट का सॉल्यूशन लॉग 6 इन ब्रैकेट 5 बेस 2, सो सिंपली क्या लिखेंगे लॉग 6 टू द बेस 2 प्लस लॉग 5 टू द बेस 2। यहाँ पे हमने सिंपली फर्स्ट लॉ लगाया प्रोडक्ट लॉ, देन सेकंड यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लॉ लगाएंगे दैट लॉग 15 डिवाइड बाय 23
टू द बेस 10. सो क्या हो जाएगा, लॉग 15 टू द बेस 10 माइनस लॉग 23 टू द बेस 10. नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लॉग 6 टू द पावर 4 टू बेस 5. सो क्या हो जाएगा, ये जो पावर होगा ये सिंपली सामने आ जाएगा, दैट 4 लॉग 6 टू द बेस 5, ये पावर लॉ थर्ड लॉ. देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लॉग क्यूब रूट 7 टू द बेस 10. सो क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 1/3. नाउ इसको हम लोग सिंपली आगे लेकर आएंगे, सो 1/3 लॉग टू द बेस, सॉरी लॉग 7 टू द बेस 10. यहाँ पे हम लोगों को कुछ प्रूफ दैट के क्वेश्चन करने हैं, दैट सपोज लॉग 15 इक्वल्स टू, वी हैव टू शो लॉग 3 प्लस लॉग 5. देन सेकेंड, लॉग 72 इक्वल्स टू 2 लॉग 6 प्लस लॉग 2. देन थर्ड, लॉग ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी सी प्लस लॉग बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी ए प्लस लॉग सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी ए. यहाँ पे एक्चुअली ए होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे सर्कुलेशन फॉर्मेट हो रहा है, बिकॉज जो नंबर सपोज ए बी सी ये तीन नंबर्स है, सो जो जिसका स्क्वेयर है और अदर दो टर्म्स नीचे, सो लाइकवाइज यहाँ पे बी ए आना चाहिए था. ये मेरे तरफ से शायद मिस्टेक हो गई है, सो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, लॉग एम एन पी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी. देन फिफ्थ, लॉग 540 इक्वल टू 2 लॉग 2 प्लस 3 लॉग 3 प्लस लॉग 5. सो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, सो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. सिंपली अगर आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, सो प्लीज़ कमेंट करिएगा. सो मैं इस टॉपिक को कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगा. बट सबसे पहले यहाँ पे कुछ हिंट्स देकर जाता हूँ क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए. सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट लॉ लगाएंगे, दैट प्रोडक्ट लॉ. देन सेकेंड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अगर हम लोग ध्यान से देते हैं तो 2 को हम लोग पावर में लेकर जा सकते हैं, दैट 36 प्लस लॉग 2 में सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. सो सिंपली यहाँ पे फैक्टर गिराएंगे 36 इंटू 2, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रोडक्ट लॉ और पावर लॉ दोनों का यूज़ करके सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, इस टर्म को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लॉ लगाएंगे, फिर पावर लॉ लगाएंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. लाइकवाइज ये थर्ड तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जस्ट पी क्यू आर टी के फॉर्म में, सो इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे. नेक्स्ट, लॉग 540. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फैक्टर्स निकालना है. सो कैसे निकालेंगे, इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे मीन्स 4, इस 3 को ऊपर लेकर जाएंगे सो 9 और 5. सो फैक्टर किस तरह से गिरेंगे, 5, 9 और 4, इनका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे सो इतना आना चाहिए. सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 3 टू द पावर 3 मीन्स इट 27. सो 5 इंटू 27 इंटू 4, इस फैक्टर का यूज़ करके हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे और आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे, जिससे कि ये डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा. सो आप इसका ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आता है सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा लूँगा. सो तब तक के लिए बाय बाय गाइज़.